आज के इस चुनावी मंच पर हम सबके बीच में उपस्थित एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका सारा जीवन इस संगठन को समर्पित रहा, परम आदरणीय गांधी साहब, इस चुनाव के प्रभारी परम आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव, हम सबके बीच में विराजमान इस जिले के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय बुधौलिया जी, यहां पर उपस्थित शौड़ा के पूर्व विधायक परम आदरणीय अग्रवाल साहब, परम आदरणीय बघेल साहब, और जैसा मैं इस कार्यक्रम से देख रहा हूं कि युवाओं के जोश का प्रतीक और जितना इस लंबे चुनाव अभियान में एक कर्ण की भूमिका को जिसने पूरे तरीके से चरितार्थ किया, ऐसे मेरे छोटे भाई सुकर्ण मिश्रा जी और इस मंच पर मेरे मित्र परम आदरणीय जीतू कमरिया जी, इस मंच का संचालन कर रहे बहुत सारी पीढ़ियों का नेतृत्व करने वाले परम आदरणीय जगदीश यादव जी, इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच, मुझे लगता है कि जोश बहुत है और जोश में भाषण का काम नहीं होता है, क्योंकि ये जोश किसी हवा को परिवर्तित करने के लिए चल रहा है, तो आपका जोश ये साबित कर चुका है कि ये लड़ाई सिर्फ विजय को बड़ी बनाने की है, क्योंकि जीत तो अब बहुत दूर की हो गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ये विकल्प की राजनीति नहीं है, ये संकल्प की राजनीति है। संकल्प हमारे स्वाभिमान का, संकल्प हमारे सम्मान का। हम कैसा प्रदेश चाहते हैं, हम कैसा देश चाहते हैं, इस बात का संकल्प। हम कैसा नेतृत्व चाहते हैं, इस बात का संकल्प। हम कैसा विधायक चाहते हैं, इस बात का संकल्प। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भीड़ यहां आई वो अपने एक नायक को विदा कर चुकी है। अभी कुछ देर पहले यहां इसी मंच पर मुझसे पहले इस प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री भाषण दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि नायक कैसा होना चाहिए, वो एक नायक का पूरा जीता जागता उदाहरण है। नायक वो होता है जो आपके दिमाग से उतर कर आपके दिल तक पहुंच जाए, और अगर उस नायक का नाम अगर कुछ है तो हम सब भाग्यशाली हैं कि वो नायक हमारी पड़ोस की विधानसभा के रहने वाले आपके इस प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। और दूसरा नायक जिसकी प्रतीक्षा के लिए हम पलक पावले बिछाकर यहां बैठे हैं, मुझे लगता है कि दूसरों के भाषणों में आपको अड़चन आ रही होगी, क्योंकि आप निश्चित रूप से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भी सिर्फ उस प्रतीक्षा के कुछ पल कम करने के लिए आपके बीच में आए हैं। क्या आपका चाहते हैं कि जो प्रतीक्षा आपकी है, अगर हम उसमें आपके कुछ पल इंतजार के अपनी बारी से अगर कम कर पाए और आपके दिलों तक पहुंचा पाए अपनी बात को, तो हमें लगता है कि हम भी संकल्प के भागी होंगे जिस संकल्प की आपने प्रतीक्षा ले रखी है। क्योंकि संकल्प ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीति की अवधारणा में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका प्रत्याशी कैसा है। मगर मैं जब मिला यहां संतराम सिरोनिया जी से, रक्षा सिरोनिया जी से, मैंने देखा है कि अगर प्रत्याशी को कोई परिभाषित कर सकता, उसके चरित्र का कोई एक स्वरूप हो सकता है, तो वो संतराम सिरोनिया और रक्षा सिरोनिया से कोई अच्छा स्वरूप नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है, बात व्यक्ति के अपमान की हो तो व्यक्ति अपमान सह सकता है, समाज के अपमान की हो तो समाज अपमान सह सकता है, मगर राष्ट्र के अपमान की बात आ जाए, जाति के अपमान की, धर्म के अपमान की बात आ जाए, तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को कांग्रेस ने आपके बीच में उतारा है, जो आपके धर्म पर आरोप लगा रहे हैं, जो आपके नैतिकता के पतन की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, जब उनका वीडियो लोग सुनते हैं, जब उनके दिए हुए भाषणों को लोग सुनते हैं, तो लोगों का खून खोल जाता है। और जो उन्होंने इस माटी पर कहा, इस भांजर पर कहा, मेरा तो भांजर से निश्चित रूप से लगाव है, क्योंकि लगाव के कोई ना कोई कारण रहते हैं। मेरा एक लगाव का कारण है, क्योंकि मैं जिस जगह से रहता हूं लाहौर में, तो लोग अगर पता भी पूछते हैं कि रहने वाले कहां के हो, तो बताना पड़ता है कि घर का नाम महंत निवास है और रास्ता भिंड भांजर रोड है। तो निश्चित रूप से जितना लगाव भिंड से रहा, उतना ही भांजर से रहा, क्योंकि एक दिन में भगवान का नाम जितनी बार लेते हैं, मुझे लगता है मैं भांजर का नाम भी उतनी बार लेता रहा हूं।
इसलिए अगर ये संकल्प दोहराने का मुझे इस मंच से मौका मिला, मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला, तो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस ने कौन सा संकल्प आपके बीच में निभाया। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में आपके साथ जितना धोखा किया, शायद इससे पहले राजनीतिक इतिहास में इतना धोखा पहले कभी हुआ हो। कांग्रेस जिस धोखे पर खड़ी है, उस धोखे के बाद चुनाव में गई, तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो धोखे जो उन्होंने दिए, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे वो युवा रोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का हो, चाहे वो आपके सम्मान का हो, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आपको अपमानित करने का प्रयास नहीं करा गया, जहां जाति के नाम पे आपको अपमानित करने का प्रयास नहीं करा गया। प्रदेश का मुखिया मंच पर जाके महिलाओं के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, जो उनकी टिप्पणियां होती है, मुझे लगता है पूरी की पूरी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए उनके कहे हुए शब्द काफी थे। इससे बड़ा और कुछ राजनीति में हो नहीं सकता। इसलिए राजनीति के अध्याय को बदलने का समय आपके सामने आ गया है। आप चाहते हैं कि राजनीति परिवर्तन का सूत्र बने। मुझसे पहले माननीय गृह मंत्री जी इसी मंच से आपके बीच में कह रहे थे कि चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, चुनाव सिर्फ सरकार चलाने का है। अगर हम अपने नेतृत्व की बात इस पे नहीं मान पाए कि ये सरकार चुनाव चलाने का है, और मैं आपसे कहता हूं कि बहुत कुछ इशारों में कहा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि राजनीति की मर्यादा होती है, मगर आपने समझ लिया होगा उनके कहे हुए शब्दों में कि अगर चुनाव के बाद भी कोई परिस्थितियां आएंगी, तो केवल रक्षा जी का दरवाजा आपके लिए खोल के नहीं गए, अपने दिल का दरवाजा आपके सामने खोल के चले गए, और बोले कि जब रक्षा की कमी आए तो निश्चित रूप से वो दरवाजा खटखटाना। मुझे लगता है, मैं भी राजनीतिक जीवन में हूं, जितनी बार गया, अगर आशीर्वाद देने की बात आई या उनके द्वारा किसी भी परेशानियों में बात करने की बात आई, तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया, मायूस कर नहीं गया। इसीलिए वो लोगों के दिलों के नायक बने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ये चुनाव केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आप इस देश की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, आप इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि लोगों को तो तब भी बुरा लग गया जब भगवान राम उस टेंट से निकलकर और एक भव्य मंदिर में बैठने वाले थे, कश्मीर में धारा 370 जब लगाकर उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस धारा को हटाया, तो मुझे लगता है कि जब लोगों ने खुली हवा में सांस लेना शुरू करा, लोगों ने संकल्प के साथ जीना शुरू करा, लोगों ने भारत माता झंडा उठाने का काम करा, लोगों ने भारत माता की जय उस आतंकवाद की धरती पर बोलने का काम करा, तो कांग्रेस तो उसे भी हजम नहीं कर पाई, कांग्रेस उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए कांग्रेस कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और कांग्रेस के बर्दाश्त की हद अब पूरी खत्म हो गई है। उनके पास सिवाय धोखे के अब और कुछ बचा नहीं है। आपके बीच में आएंगे तो हमारे धोखे की बात करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, मैं उनके धोखे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका धोखा पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, उनके नेताओं का व्यवहार पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता ने हर क्षेत्र में दिया है। रह गया ये मध्य प्रदेश का भांडेर, तो यहां भी ऐतिहासिक जीत के साथ देगी भारत की जनता, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लोग कुछ भी कहेंगे, कांग्रेस के लोग मुझे मिल गए, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं महिलाओं में प्रचार कर रहा था, बोले हवा चल रही है। मैंने कही हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना। हवा अपना काम कर रही है, दिया अपना काम कर रहा है, इसलिए ये दीप जल रहा है भारत माता के संकल्प के लिए, ये दीप जल रहा है आपके विकास के संकल्प के लिए, ये दीप जल रहा है आपके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए। इसलिए अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि रक्षा सिरोनिया आपकी रक्षा करने के लिए, आपके विकास को करने के लिए, आपके समर्पण के पूरे योगदान को समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए मुझे लगता है कि आप संकल्पित होके, क्योंकि आपका जोश और जुनून जिस तरह मैंने यह देखा, क्योंकि हवा युवा बदलते हैं, मैं भी उस तरड़ाई के साथ चला हूं, मैंने देखा है कि जिस तरह का जोश इस भांडेर में बना, और निश्चित रूप से क्रम क्रम से ये आपके बीच में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं, और मैं चाहता हूं जिस जोश को आप अपनी आवाज बनाना चाहते हैं, जिस जोश के साथ आप आत्मसात करना चाहते हैं, मैं आप सबको उस निश्चित रूप से उस जोश तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा कि ये प्रतीक्षा के क्षण है, ये हमारे और आपके संवाद के बीच में जितना समय कट जाता, मुझे लगता है मुझे भी उसकी भूमिका दी गई थी, तो मैं उसी भूमिका के लिए आपके बीच में आया था, मगर मैं ज्यादा देर व्यवधान न बन के मैं आपसे कहता हूं कि मेरा
भांडर से बहुत लगाव रहा है, यहाँ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे पहचान के लोग हैं, मेरे पिताजी का लंबा यहाँ पर आप लोगों के साथ संपर्क रहा, क्योंकि मैं आपके पड़ोस की विधानसभा से रहने वाला व्यक्ति हूँ और आपके लोगों का भी दहो आलमपुर में बहुत सारे लोग यहाँ के रहते हैं, आप सब लोगों का वहां बड़ा योगदान रहा, यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष वो भी मेरे मामा जी रावत जी, तो ऐसे ढेरों सारे लोग जो दूर दूर तक मुझे जानते पहचानते, मैं सबसे आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया हूं कि आप मेरे साथ हाथ उठाकर मुझे ये विश्वास दिलाइए कि इस जीत को इतिहास बनाएंगे, इस जीत को आप वहां तक ले जाएंगे कि मध्य प्रदेश में ये इतिहास बने, क्योंकि अगर ये इतिहास बना तो आपके क्षेत्र के आपके व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा का नाम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिपादित होने वाला है। इसलिए बोलिए जय जय श्री राम।